हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसआईआर नेट एंड गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट थर्मोडायनेमिक पार्ट फोर। वीडियो फोर है यहाँ पे। तीन वीडियो में हम देख चुके हैं किस तरीके से उसका इंट्रोडक्शन देखे थे थर्मोडायनेमिक का। दूसरे और तीसरे वीडियो में क्या देखे थे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस देखे थे। चौथा वीडियो और था जिसमें हम थर्मोडायनेमिक, जो तीन वीडियो हो गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। ये कॉन्सेप्ट का फोर्थ वीडियो है, वैसे देखा जाए तो ये फिफ्थ वीडियो है थर्मोडायनेमिक का। तो अगर वो सभी देखना चाहते हैं तो इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप सीखेंगे हम मैक्सवेल रिलेशन ट्रिक्स, ट्रिक्स देखेंगे या क्या बोलते हैं मैक्सवेल स्क्वायर ट्रिक्स। यहाँ पे थ्योरी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल ट्रिक देखेंगे जो पेपर में हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल रिलेशन को ट्रिक के जरिए से, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक क्या ले लेंगे हम, एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए वैसे स्क्वायर करेक्ट नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, यहाँ पे टी और यहाँ पे भी। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, एरो लगाना है। एरो लगा देते हैं, देखिए यहाँ से ऊपर से एस से लेकर एरो टी तक लगाना है और पी से एरो लगाना है हमें भी तक, मतलब क्रॉस करते हुए लगाना है। देखिए और एरो कहाँ पे जा रहा है, टी की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर, और प्रेशर से क्या जा रहा है, वॉल्यूम तक जा रहा है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में भी कुछ कुछ लिखना है। यहाँ पे एस पी टी भी तो लिख लिए, इसको याद रखिएगा क्या है, सत्य प्रकाश टीवी देखता है। क्या है? सत्य प्रकाश, चलो यहीं पे लिख देते हैं, सत्य प्रकाश टीवी, ये हो गया टी और ये हो गया वी, देखता है। ये हो गया। इसके लिए ट्रिक है सत्य प्रकाश टीवी देखता है। अब देखो ये तो हो गया हमारा। अब इसके बीच बीच में भी वेरिएबल रहते हैं तो उसको भी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रहता है एच, यहाँ पे रहता है जी, यहाँ पे ए और यहाँ पे यू, ये आठ हैं वेरिएबल हैं और पोटेंशियल है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सत्य प्रकाश टीवी देखता है और एच जी ए यू, हे गॉड ए यू। अगर ट्रिक देखना चाहते तो क्या है, पहला वाला सत्य प्रकाश टीवी देखता है और हे गॉड ए यू या एच जी ए यू। ए के जगह पे कभी कभी एफ भी यूज किया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी, और यू के जगह कभी कभी ई भी यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हर चैप्टर में हर बुक में अलग अलग रहता है रेफरेंस बुक में। तो ये हो गया हमारा, ये क्या है स्क्वायर, मैक्सवेल स्क्वायर, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम पूरा मैक्सवेल इक्वेशन क्वेश्चन आता है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ क्या, यहाँ पे देख लेते हैं कि दो टाइप का होता है यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन में। एक तो होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल को क्या कहते हैं, जो एच जी ए यू आया था उसको पोटेंशियल बोलते हैं। और एक होता है वेरिएबल, जो समय के साथ चेंज होता रहता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे, जो सत्य प्रकाश टीवी देखता है वही है। ठीक है, तो कौन सा पोटेंशियल है और कौन सा वेरिएबल है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वेरिएबल पूछता है तो पोटेंशियल लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक था हमारा, ये स्क्वायर लिखे थे तो इसी में, ये देखिए ये रेड वाले क्या हैं, वेरिएबल हैं, और ये पिंक वाले हैं वो क्या है, पोटेंशियल है। तो अब देखते हैं इसी से रिलेटेड क्या क्या देखना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं, अब हेडिंग लिखिए यहाँ पे, क्या हेडिंग लिखना है, वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के लिए हमें किस तरीके से वैल्यू आएगा उसको पुट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो फिर से क्या बना लेंगे हम,
फिर से बना लेते हैं एक स्क्वायर, क्योंकि इसी से हमारा सब जुड़ा हुआ है, इसी ट्रिक से जरा। चलिए ये हो गया, अब कर लेते हैं इसमें एरो भी लगा देते हैं साथ में। ये हो गया हमारा एरो, इधर आ रहा है ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर से नीचे लगा दीजिएगा एरो। अब यहाँ पे सत्य प्रकाश टीवी देखता है, ये हो गया वेरिएबल। अब HGAU, ये हो गया पोटेंशियल। तो हमें पोटेंशियल के लिए फाइंड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे। क्या ध्यान देने की बात है हमें, कि यहाँ पे डेल टी रहे, डेल भी रहे, या क्या रहे, वहां पे क्या करना है हमें, नेगेटिव लगाना है। क्यों नेगेटिव लगाना है, जहां पे एरो जा रहा है, देखिए यहाँ पे एरो आ रहा है और यहाँ पे भी एरो आ रहा है, तो ये जो डेल टी रहे और डेल भी रहे, सिंपल अगर टी और सिंपल अगर भी रहे तो वहां पे नहीं लगाना है जीरो, वहां पे क्या लगाइएगा, पॉजिटिव लगाइएगा, जीरो नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, अगर डेल दिखे तब नेगेटिव लगाना, अगर सिंपल टी दिखे तो वहां पे पॉजिटिव लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला ले लेते हैं हम, क्या वाला ले लें, पहला डेल एच को करते हैं, एंथैल्पी चेंज। ये वाला देखिए एच यहाँ पे है, अब क्या करना है, इसको एक बार लिख देना, इसको एक बार लिख देना, राइट साइड में, लेफ्ट में एक लिख देना है, राइट को एक बार लिख देना है, लेफ्ट और राइट में क्या लिखना है, डेल के साथ लिखना है, डेल एस हो जाएगा लेफ्ट वाला, और यहाँ पे प्लस है कि माइनस अभी पता नहीं है, और यहाँ पे डेल पी है, ये हो गया। तो देखिए अब क्या करना है, डेल एस से अपोजिट में क्या है, डेल एस के अपोजिट में देखिए यहाँ पे डेल एस के अपोजिट में क्या है हमारा, टी है, टी है, तो यहाँ पे टी लिख देंगे। ठीक है, अब पी के अपोजिट में क्या है, देखिए ये भी है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, भी लिख देंगे, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या रूल बोले थे हम, कि अगर डेल टी और डेल भी है तो नेगेटिव रखना साइन को, नहीं तो सिंपल टी और भी है तो पॉजिटिव रखना है, तो यहाँ पे डेल टी ना ही डेल भी है तो क्या रखेंगे हम, दोनों में पॉजिटिव साइन रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी के लिए, पोटेंशियल के लिए। अब दूसरा देख लेते हैं, किसके लिए, डेल जी के लिए, फ्री एनर्जी के लिए। तो क्या करना है हमें, फिर से वही, एक बार लेफ्ट को लिख देना डेल के साथ और एक बार राइट के साथ लिख देना, तो डेल पी हो जाएगा और अभी साइन नहीं लिखते हैं, दो डेल टी हो जाएगा। तो अब देखो फिर से वही करना है, डेल टी के अपोजिट में क्या है, भी है, तो भी लिख देते हैं आगे में, और डेल टी के अपोजिट में क्या है, देखिए ऊपर क्या जा रहा है, एस जा रहा है, तो एस लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रूल के अनुसार से एक डेल टी मिल गया, तो डेल टी मिल गया मतलब कि यहाँ पे आगे में क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव का साइन होगा, और ये डेल पी के आगे में होगा क्या, नहीं होगा, ये पॉजिटिव का साइन ही रहेगा। तो डेल टी वेरिएबल पोटेंशियल फिर से मिल गया हमारा। अब फिर से क्या वाला ले लेते हैं, डेल ए का ले लेते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी का। फिर वही फार्मूला है, एक बार लेफ्ट को लिख देना डेल के साथ, क्या है लेफ्ट में, टी है, और एक बार राइट को लिख देना, भी है। तो फिर से वही देखना है हमें, टी के अपोजिट में क्या है, देखिए एस है, तो एस लिख देना आगे में, और भी के अपोजिट में क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी लिख देना है। तो देखिए फिर से क्या आया हमारा, डेल टी और डेल पी अगर रहता है तो नेगेटिव रहना रखना है, मतलब दोनों का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल टी भी है और डेल भी है, तो दोनों का साइन नेगेटिव में हो जाएगा यहाँ, इस तरीके से। अब देखो अब एक बच गया, फिर से क्या बचा है हमारा, ये यू बचा है, इंटरनल एनर्जी जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया, अब फिर से वही लेफ्ट और राइट वाला फार्मूला यूज करिएगा, एक बार भी और एक बार एस, तो भी के अपोजिट में पी दिख रहा है और एस के अपोजिट में टी दिख रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, डेल भी एक है इस वाले रूल में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आया, क्या आया, चार इक्वेशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको डिब्बे में बंद कर दीजिए और बस ये ध्यान रखिएगा, पहले पोटेंशियल में क्या करते हैं, अगर डेल टी और डेल भी है सिंपल, तो उसमें नेगेटिव रखना और बाकी किसी में भी नहीं रखना है। ये हो गया पोटेंशियल के लिए। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल के लिए। वेरिएबल के लिए कैसे हम देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ
वेरिएबल। तो फिर से वही स्क्वायर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर, और उसमें एरो कहाँ करना है, एरो किस साइड लेना है, ऊपर से नीचे लेना है, और दोनों साइड ऊपर से नीचे। अब लिख देते हैं इसमें, ये एस पी टीवी, सत्य प्रकाश टीवी देखता है, और एच जी ए यू, ये हो गया। अब वेरिएबल को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या देखना है, पाताल देखना है। पाताल कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है, तो पाताल नीचे रहता है, तो नीचे में अगर अगर नीचे में क्या आता है, डेल टी और डेल वी आता है, तो क्या होगा, नेगेटिव साइन। कब, जब हमारा ये पाताल में रहता है, पाताल में मतलब नीचे रहेगा तो। ठीक है, अब कैसे नीचे में रहता है उसको देख लेते हैं। तो इसको तो पहले आप एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, फिर से वही है, देखिए डेल टी और डेल वी को ही नेगेटिव रखना है हमें यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे अलग अलग रहता है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर से ये वाला, तो कैसे ये वाला बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, ये एस है, ये पी है, और ये टी है, और ये वी है। तो पहले एस लिख लेना एंट्रोपी के लिए। अब क्या करना हमें कि जो नेगेटिव इसके अपोजिट में है, तो ये इसका दो दो वैल्यू आता है, तो क्या करना है हमें, दो बार इसका नीचे में है, अपोजिट में जा रहा है, उसको लिख देना है। देखिए एस के अपोजिट में क्या है, टी है, तो डेल टी करके लिख देंगे, ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, डेल टी तो हो गया हमारा, अब देखो थोड़ा सा, ये डेल टी ये हुआ, ठीक। अब ये डेल टी के ऊपर में क्या है, जी है, अब इस जी के ऊपर में क्या है, पी है, ये हो गया, पता चल गया, डेल टी के ऊपर में जी और उसके ऊपर में पी है। तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, एक डेल टी है उसके ऊपर में जी लिख देते हैं, डेल जी, और एक और क्या है, एक बार तो ये है, टी के ऊपर में जी है, और एक बार टी के ऊपर में ए है। एक बार फिर से लेफ्ट राइट करके इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या कर देंगे, इसमें कोष्ठक लगा देंगे। अब देखो ये जी ऊपर में है, उसके फिर ऊपर में क्या है, पी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिख देंगे, प्रेशर लिख देंगे। और इसके नीचे में देखिए ए है, उसके फिर से बगल में क्या है, बी है, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट लिख देंगे, भी लिख देंगे। तो अब रूल क्या है हमारा, कि अगर डेल टी और डेल भी नीचे पाताल में है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, या उसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डेल टी और डेल टी इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इक्वल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल पे एक का दो मान होता है, तो हमें इस तरीके से बनाना है, ये हुआ। अब देखो, अब और कर लेते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। अब एक के लिए निकला है, अब दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, किसके लिए निकालते हैं हम, यहाँ पे पी के लिए निकाल लेते हैं। तो पी लिख लीजिए यहाँ पे, पी इज इक्वल टू, अब क्या करना है हमें, उसके अपोजिट को देखना है, अपोजिट में क्या है, भी है, तो दो बार भी लिख देते हैं हम, डेल भी, और सिंपल भी नहीं, दो बार भी हो गया। अब क्या करना है, भी तो हो गया हमारा, अब उसमें ये तो भी है, उसके ऊपर में क्या है, यू है, फिर उसके ऊपर में एस है, तो एक बार क्या लिख देते हैं, एक बार यू लिख देते हैं, और उसके कांस्टेंट में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और फिर से इधर देखिए ए है, और फिर क्या है, टी है, तो डेल ए और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब आपको ये फाइंड करना है कि किसका नेगेटिव होगा और किसका पॉजिटिव होगा। तो फिर से रूल के अनुसार से डेल यू अगर, सॉरी डेल भी अगर रहता है, तो नेगेटिव रखना है, नीचे में पाताल में है, देखो ये ऊपर है या नीचे है, ये ऊपर का मानते हैं, ये नीचे का मानते हैं, तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव, ये भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव, प्रेशर और एंट्रोपी। अब देखते हैं हम क्या देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं किसके लिए देखें, एस के लिए हो गया, पी के लिए हो गया, टी के लिए देखते हैं। टी के लिए देखिए,
तो टी के अपोजिट में क्या है, एक बार मिटा देते हैं यहाँ पे थोड़ा ताकि हमें दिखे। टी के अपोजिट में दिख रहा है होगा आपको क्या, एस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए टी है, इसके अपोजिट में क्या है, एस। तो नीचे में क्या लिख देना है हमें, एस और एस दो बार लिखिएगा, कोष्टक बंद कर दीजिएगा। अब क्या है कि टी के एस तो है, तो एस के बगल में क्या है, एच है, तो एक बार ऊपर में एच लिखना है, और फिर उसके बगल में क्या है, पी, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही एच के फिर से बगल में क्या है, यू है, तो यू लिख देते हैं, और उसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, तो ये हो गया भी। अब देखो नीचे में आपका डेल पी या डेल भी है क्या, नहीं है, यहाँ पे दोनों पे तो नीचे में डेल एस डेल एस है, तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। ये हुआ। अब एक बच गया हमारा वॉल्यूम वाला, तो भी लिख लेते हैं। तो भी के अपोजिट में देखिए क्या क्या है, पी है, डेल पी लिख लो, ये हो गया, कोष्ठक में बंद कर दो, ये हो गया, ये भी इक्वल कर दो, ठीक। अब भी पी के बगल में क्या है, जी है, और टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेल जी लिख देते हैं और टी कांस्टेंट। फिर दूसरा बगल में क्या है, एच है, और इसको क्या कांस्टेंट लिख देना है, एस कांस्टेंट लिख देना है, तो ये डेल एच और ये हो गया एस, और ये भी प्लस प्लस साइन होगा। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल जैसे कि एस पी टी और वी के लिए पूछता है तो दो दो वैल्यू रहेंगे, लेकिन ऊपर नीचे किस तरीके से देखना है हम ट्रिक के जरिए से देख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम, एक तीसरा और होता है, ये तो दो हो गया एक पोटेंशियल के लिए और एक वेरिएबल के लिए, तीसरा होता है यूलर इक्वेशन के लिए। तो तीसरा लिखे यहाँ पे यूलर रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो वही क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है, फिर क्या करना है, एरो ले जाना है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे क्रॉस करते हुए, फिर क्या लिख देना है वहां पे, सत्य प्रकाश टीवी देखता है और हे गॉड हे यू, ये हो गया मैक्सवेल रिलेशन। अब देखो जैसे वेरिएबल के लिए पाताल देखे थे, तो यहाँ पे क्या देखना है हमें, भगवान को देखना है, मतलब ऊपर को देखना है, आसमान को देखना है। तो जो भी यहाँ पे रहेगा डेल टी और डेल भी क्या में रहेगा, तो नेगेटिव देखना है, नेगेटिव किस में करना है हमें, आसमान को देखना है, लिख लीजिएगा ऊपर, मतलब कि चलो आसमान को ना लिख करके ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे ऊपर देखना रहता है भगवान के साइड, तो भगवान के, और ये कर लेते हैं हम एक डिब्बे में बंद इसको, क्योंकि यही तो रूल है ना, तीनों में यही रूल फॉलो हो रहा है, डेल्टी डेल्टी अगर, लेकिन क्या है किसमें नीचे में है किसके ऊपर में है उसको बस देखना रहता है। तो अब देखते हैं पहला रिलेशन, पहला रिलेशन क्या है इसमें, पहला रिलेशन है देखिए। अब हमें क्या देखना है, यहाँ से एस और पी में जा रहे हैं, एस और पी इधर जाएंगे, तो वैसे भी और टी भी इधर जाएंगे, तो ऊपर क्या लिख देना, डेल एस, देखिए एस से पी जा रहे हैं तो डेल एस ऊपर रहेगा और डेल पी क्या हो गया, नीचे होगा। तो अब इसके कांस्टेंट कैसे देखना है हमें, और वैसे ही इधर बराबर लिख दीजिएगा, जैसे कि डेल भी से और टी में जाएंगे तो डेल भी बाई डेल टी हो जाएगा। अब कांस्टेंट कैसे देखना है हमें, देखो कांस्टेंट देखना रहता है, जैसे कि ए से पी में जा रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये ए से पी में गए देखिए, नहीं तो क्या कर देते हैं, ए से पी ऐसे जाते हैं और पी से टी यहाँ पे जाएंगे, तो टी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, वैसे ही भी से टी जा रहे हैं तो टी से पी जाएंगे तो यहाँ पे पी कांस्टेंट होगा। ये हुआ। अब आपको देखना है नेगेटिव का साइन, नेगेटिव साइन कहाँ पे रहेगा, देखो ऊपर में अगर डेल टी और डेल भी है तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, डेल टी नहीं है ना ही डेल भी है, दोनों में ऊपर में ही नहीं है ना नीचे में नहीं है, तो
ये पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे देखो ऊपर में डेल्फी है तो ये क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके लिए हम दूसरा देख लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले, तब पता चलेगा। एक रिलेशन फाइंड कर लिए यूलर इक्वेशन के लिए, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा किसके लिए रख दें। चलिए दूसरा है हमारा, दूसरा रिलेशन, एक बार यहां से यहां गए, अब क्या कर रहे हैं, एस से भी आ जाते हैं, एस से भी आ जाते हैं, बदल देते हैं इसको, एक बार एस से भी आते हैं तो एस से भी आएंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो लिख देते हैं डेल एस ऊपर है और डेल भी नीचे है और कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि एस से भी आए हैं वैसे ही पी से टी आना पड़ेगा हमें, पी से टी आएंगे तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो ऊपर में क्या आया, डेल पी बाई डेल टी, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब फिर देखना है, यही रूल अपनाना है, ऊपर में है क्या, नहीं है, दो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो गया। अब करते हैं हम अगला, तीसरा रिलेशन देख लेते हैं। एक बार तो एस और एस देख लिए, पी वाला भी देख लिए, अब हमें उल्टा चलना है, उल्टा देख लेते हैं। तीसरा रिलेशन क्या देख लेते हैं हम, कि अगर कैसे जाएं हम, इसको ऐसे ले जाते हैं, पी से एस ले जाते हैं तो कांस्टेंट क्या आएगा, फिर से भी आएगा। तो एक बार डेल पी डेल एस, ये भी हो गया, इज इक्वल्स टू जैसे कि पी से एस गए हैं वैसे ही टी से भी जाना पड़ेगा हमें, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो डेल टी ऊपर हो जाएगा और डेल भी नीचे, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा, एस। अब आपको देखना है, ये ऊपर में अगर रहता है तो नेगेटिव साइन, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। चौथा रिलेशन देखते हैं, जैसे कि इसको देखे हैं, मिटा देते हैं पहले तो एक बार फिर से, अब देखो फिर से क्या बचा हमारा, भी से एस नहीं गए हैं, एस से तो भी आ गए हैं लेकिन इसमें नहीं गए हैं, तो भी से एस फिर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो डेल भी ऊपर में हो जाएगा और डेल एस नीचे में, और कांस्टेंट पी, इक्वल टू फिर क्या हो गया, जैसे कि भी से एस गए हैं वैसे ही टी से पी जाना पड़ेगा हमें, और कांस्टेंट क्या कराएंगे, एस को कराएंगे। तो ऊपर में डेल टी बाई डेल पी, ये पी हो जाएगा और कांस्टेंट एस। तो अब देखो रूल के अनुसार से, रूल क्या बोल रहा है, डेल टी और डेल भी अगर ऊपर में है तो नेगेटिव साइन रखना है, तो डेल टी सॉरी डेल भी और ये डेल टी देखिए ऊपर में है, दोनों का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में आ गया है, पूछ चुका है। तो इस तरीके से हम मैक्सवेल रिलेशन ट्रिक अपना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ये वाला जो स्क्वायर है उसको मत भूलिएगा। और क्या नहीं भूलना है हमें, ये तीन जो रूल पढ़े हैं, वेरिएबल के लिए क्या क्या फाइंड किए हैं, पोटेंशियल के लिए क्या फाइंड किए हैं, इलर रिलेशन के लिए क्या फाइंड किए हैं। अब अगले में देखेंगे हम कि पोटेंशियल से कैसे वेरिएबल के लिए निकाल सकते हैं मान, और वेरिएबल के लिए से कैसे पोटेंशियल के लिए मान निकाल सकते हैं, उसको देख लेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।